शिव जी की भक्ति करके ले ली सोने की लंका, थोड़ा सा बेस कम करो भैया। कह रहा है कि शिव जी की भक्ति करके ले ली सोने की लंका, राजा रावण का उस दिन से बजने लगा था घोर तपस्या के बल पर वो अमर हुआ बलवान। एक छत्र हो राज मेरा, कुछ होने लगा। रावण भगवान शिव का परम भक्त था, तपस्या करके अमर हुआ, लेकिन उसके मन में एक उत्कंठा थी कि मेरा एक छत्र राज हो सारे विश्व पर। इसी तमन्ना को लेकर भगवान भोलेनाथ के पास जाता है कि भगवान भोलेनाथ से कुछ और मांगूंगा। एक बार फिर से रावण जा पहुंचा है कैलाश, एक बार फिर से शिव जी से मिलने की थी आस, लेकिन जाकर देखता है कैलाश पर तो लगी समाधि शिव शंभु की, लगाए बैठे ध्यान। रावण को इस बात का जरा नहीं था ज्ञान। 12 वर्ष जब बीत गए तो जाग उठा अभिमान। रावण के मन में अहंकार हुआ तो कहने लगा, भोलेनाथ अगर आप कैलाश पति हो तो मैं भी लंका पति हूँ। 12 वर्ष हो गए मुझे आपका इंतजार करते करते, मैं अपनी भुजाओं के बल से कैलाश सहित उठाकर आपको ले जाऊंगा और जब आप जागोगे तभी आपसे बात होगी। 12 वर्ष जब बीत गए तो जाग उठा अभिमान, धन बल भुज बल अहंकार जब कर बैठा नादान। शिव कैलाश सहित ले जाऊं लंका के दरमियान, कैलाश को अहंकार में आकर उठाने लगा। तो भगवान अगर किसी के सबसे बड़े दुश्मन हैं तो अहंकार के। भगवान भोलेनाथ अपनी योग माया से देखते हैं कि कैलाश को उठा रहा है रावण अहंकार में आकर, धीरे से कैलाश को दबाते हैं। तो रावण जब दबने लगा तब भगवान भोलेनाथ की शक्ति का एहसास हुआ, तो प्रार्थना करता है भगवान भोलेनाथ से कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, कैलाश का इतना भार मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। क्या प्रार्थना करता है रावण भगवान भोलेनाथ से कि प्रभु सुना होगा आपने कर्पूर गौरम, तो कहना है क्या कहता है रावण भगवान भोलेनाथ से कि प्रभु कि भरपूर भार अब ना संभारम हो महिमा अपार, शिव महादेवा शिव महादेवा
सेवक हूँ, मेरा अहंकार जाता रहा, मुझे क्षमा कीजिए। क्या कहता है रावण भगवान भोलेनाथ से कि प्रभु और भोले मेरे प्राण को बचा ले, थोड़ी दया दिखा दे प्रभु और मेरे अगर तुम रूठ गए तो मेरा ये जीवन बेकार हो जाएगा। क्या कहता है रावण, निकल जाएंगे। कब आओगे? श्री रघुवीर सिंह जी राजपूत आपकी तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद सबने भेंट हुए, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। क्या कहता है रावण भगवान भोलेनाथ से कि प्रभु ₹101 की राशि परम आदरणीय श्री अनोखी लाल जी राठौर इटारसी वाले आप तरफ से मिले, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। क्या कहता है रावण भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना में कि प्रभु और कब आओगे
जाए कहीं देर रामचरितमानस के अंतर्गत एक छोटा सा भजन 51 रुपए का आशीर्वाद परमादरणीय श्री मुकेश जी राठौर कोटला खेड़ी वाले आपकी तरफ से आशीर्वाद मिला, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मंथरा भर के कई के कान, बड़ी बेखबर है सखी तू भोली है नादान। एक समय की बात, जब महाराज दशरथ चौथे पन में आए तो विचार करते हैं कि क्यों ना मैं अपना ये राजपाट का भार राम के कंधों पर डाल दूं। भगवान श्री राम को राजा बनाना चाहते हैं, महाराज दशरथ इस बात की घोषणा कर दी। तो ये जो कैकई थी, ये पूर्व जन्म में एक यक्षिणी थी जिसके दामाद का वध कैकई के पिता के हाथों हुआ था। उसी का बदला लेने के लिए आज ये मंथरा इस अवसर की तलाश में थी कि कैसे मुझे बदला लेने का मौका मिले। तो जैसे ही ये बात सुनती है तो रानी के कैसे कहती है कि देख, तेरा बेटा ननिहाल में और कल राम राजा हो जाएंगे और तू
दासी हो जाएगी। क्या बात हुई सयानी मंथरा भर के कल के कान, बड़ी बेखबर है सखी तू भोली है, अपने ही घर में तुझे बना दिया मेहमान, एक मेहमान की तरह हो गई तेरी हैसियत। देख तेरा बेटा इस घर में नहीं ननिहाल में, और कल राम राजा होंगे। कुटिल कुबरी ने लगाया था रानी को रोग, और देवों को भी मिल गया धोखे से संजोग। आखिर देवता भी नहीं चाहते थे इस बात को कि राम राजा बने, अगर राम राजा बन गए तो दुष्टों का संहार कौन करेगा। इस मामले में अनेक ज्ञानियों के अनेक मत हैं। कोई कहता है कि राम का राज्याभिषेक कैसे होता, क्योंकि राजमुकुट था ही नहीं। अलग अलग मत हैं, लेकिन हमने जो पढ़ा है वो सुने आप। कुटिल कुबरी ने लगाया थानी रानी को रोग, और देवों को भी मिल गया धोखे से। महाराज दशरथ से कैकेयी अपने दो वरदान ले लेती है। कैकेयी मंथरा की बातों में आकर, भगवान श्री राम तो वनवास चले गए, लेकिन जब ननिहाल से भरत लौटे तो क्या हुआ। लौटे हैं ननिहाल से भरत बड़े बेचैन, जब छवि दिखी ना राम की तो नींद बहाए, अपने प्रभु के दर्श को भरत हुए बेचैन। जैसे ही महलों में प्रवेश करते हैं तो क्या विचार करते हैं। सुने आप, जानकार लोग बैठे हैं, भजन का आनंद लें। क्या विचार करते हैं भरत जी। कहते हैं भरत जी, हरे अभी अभी मेरे घर में ये बवाल आया है, के लहू के आंसू रुला।
ये दौलत मेरे लिए बड़ी ही कुछ सी चीज है। जब इस बात का पता चला कि माँ कह गई नहीं, मुझे इस राजगद्दी पर बिठाने के लिए मेरे प्रभु को वनवास भेज दिया, तो क्या विचार करते हैं इस जगत में। आप सभी जानते हैं भरत सरीका भाई इस धरा पर पैदा हो नहीं सकता, क्या विचार करते हैं। भरत जी कि मैं इस राजपाट का क्या करूंगा, मेरी सबसे बड़ी दौलत तो मेरे प्रभु श्री राम के चरण है। क्या कहते हैं भरत जी अपनी माँ से, कहते हैं कि माँ मैं मेरे प्रभु के बगैर एक पल नहीं रह सकता, तो प्रभु को तूने 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। तो रोते हैं अपने प्रभु श्री राम की याद में और कहते हैं भरत जी क्या कहने लगे के पिछले पल पल हर छोड़ा घरों दा आप प्रभु जी बड़ी लंबी विदाई। Oh,
क्या बात, लंबी विदाई छोड़ा करो ना आप प्रभु दे बड़ी लंबी विदाई, लंबी विदाई। हेलो हेलो, हाँ देखिए आज के हमारे सम्मानीय मंडल श्री शारदा मंडल कोटला खेड़ी, शारदा मंडल सोनतलाई, श्री चक्र सुदर्शन मंडल रजौरा जाट और श्री